नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बूंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारा प्रेगनेंसी में डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। तो बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल डाइट चार्ट बताऊंगी मैं, जो कि सभी गर्भवती महिलाएं उसको फॉलो कर पाएंगी। जनरली डाइट चार्ट में यूजुअली क्या होता है, हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खाने का बताते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना ब्लोटिंग सेंसेशन, इतना इंडाइजेशन होता है, या इतना कम खाने की इच्छा होती है कि उतना नहीं खा सकते। तो मैं जनरली प्रिस्क्राइब करती हूँ पेशेंट को, वो डाइट चार्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि शुरू के 3 महीने में नौजिया, वॉमिटिंग या जी मचलाने की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो अगर हम जैसे ही उठे हैं तो हमें बिस्तर पे ही 2 बिस्किट खा के उठना है। ग्लूकोज चिपके हुए बिस्किट हम खा के जब उठेंगे तो उससे हमें नौजिया सेंसेशन जो उठते ही बराबर होता है वो कम होगा, पहली चीज़ ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जनरली नौजिया सेंसेशन 4th मंथ से ख़त्म हो जाता है, काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर नहीं भी होता है तो आप ये वाली चीज़ जो उठते से बिस्किट खाने की आदत को कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद आपको पानी पीना है, पानी आपने पिया, मैं 2 ग्लास एडवाइज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप नहीं पी सकते तो आप 1 ग्लास से स्टार्ट कर दिए, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ा दीजिए। आपने पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद, आपका जो भी वर्कआउट जिसका एक वीडियो मैंने बनाया है, आपको शेयर करूँगी कि आपको क्या क्या वर्कआउट करना है, कौन सी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है, तो उस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो उसके 1 घंटे बाद, मतलब उठने के 1 घंटे बाद आपको दूध लेना है, 1 ग्लास दूध। दूध के साथ आप चाहें तो जो प्रोटीन पाउडर हम लोग एडवाइज़ करते हैं वो ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट आप का पेस्ट बना के जो पाउडर फॉर्म में, आप ड्राई फ्रूट का पाउडर फॉर्म बना के रख लीजिए, वो मिल्क में ऐड करके आप ले सकते हैं। अगर आपको पाउडर भी नहीं अच्छा लग रहा, ड्राई फ्रूट नहीं अच्छा लग रहा, तो आप फ्रूट की एक आध स्लाइस, लाइक चीकू की, बनाना की, मैंगो की, उसमें ऐड करके शेक के रूप में आप ले सकते हैं, वो आपको लेना है। आपने 1 घंटे बाद दूध लिया, दूध के आपको 1.5 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में मैं जनरली एडवाइज़ करती हूँ पेशेंट को कि आप चाहें तो स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स को थोड़े से पका लें आप, उसमें वेजिटेबल्स डाल के पका सकते हैं, या वैसे ही आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं वेजिटेबल्स के पराठे, मिक्स वेज के पराठे, या इंडिविजुअल वेजिटेबल के कीस के आप पराठे बना के ले सकते हैं, साथ में दही ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आप ले सकते हैं उपमा, कोई भी साउथ इंडियन उपमा, इडली, उत्तपम, उसमें भी आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि जितनी भी वेजिटेबल्स की सर्विंग से हमको टोटल 3 सर्विंग लेनी है दिन भर में, तो हम वेजिटेबल अपनी इस चीज़ में ब्रेकफास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। हम इसके अलावा उपमा ले सकते हैं, उसमें भी हम वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उसमें हम वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। उसके बाद हमारा लंच का टाइम आता है, तो लंच का टाइम जनरली ब्रेकफास्ट के 2.5 से 3 घंटे के बाद हमें लंच लेना है। तो लंच के पहले हम कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, अगर अपना मन हो तो ले सकते हैं, वरना अपन खाने के बाद भी सपर टाइम में भी फ्रूट को ले सकते हैं। तो हमें लंच में क्या क्या लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है। लंच में आपको डेली 1 कटोरी दाल, 1 प्लेट सब्जी, 2 चपाती, 1 कटोरी चावल, 1 प्लेट सैलेड और 1 कटोरी दही ज़रूर लेना है। आप चाहें तो चपाती की क्वांटिटी कम कर दीजिए अगर आपको नहीं बनता है, लेकिन दाल, सब्जी, सैलेड, दही, इनकी क्वांटिटी नहीं हटानी है। ये आपके कांस्टेंट इंग्रेडिएंट होने चाहिए आपके लंच के, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, भूख अच्छी लगेगी और आप अच्छे से खा पाएंगे। उसके बाद आपने लंच लिया, लंच के बाद आपको करीब 3 से 4 घंटे के बाद, 3 से 3.5 घंटे के बाद आपको सपर का टाइम आता है, या ब्रंच जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम पे आपको, मैं ज़्यादातर पेशेंट को यही एडवाइज़ करती हूँ कि आप उस टाइम पर अपने जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट की सर्विंग आपको 2 या 3 लेनी है, तो आप उस टाइम पे फ्रूट और जूस उस टाइम ले लीजिए। इसके अलावा आप सत्तू ले सकते हैं, आप सत्तू घर में बना सकते हैं, गेहूँ और चावल, गेहूँ और चने को सेक के और उसको पीस के आप सत्तू घर पे बना के रख सकते हो, उसको गुड़ के साथ या शुगर के साथ और मिल्क मिला के सत्तू ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई आपको हलवा पसंद हो तो वो ले सकते हैं। आप उस टाइम में कोई मिक्सचर घर में बना के रख सकते हैं, जिसमें आप परमल, मूंगफली के दाने या दालें, या जो आपको चीज़ें, खोपरा, मखाने, इनका जो मिक्स मिक्सचर होता है जो कम ऑयल का होता है, वो आप बना के रख लीजिए, तो उस टाइम पे आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके डिनर में आपको दाल और सब्ज़ी और रोटी, ये तीनों चीज़ें लेने हैं। अवॉइड करने के लिए, मैं भारी खाना अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ इवनिंग में, डिनर में, तो आपको हल्का खाना लेना है। अगर आपको लगता है तो आप मिक्स वेज का दलिया या मिक्स वेज की खिचड़ी भी इवनिंग में ले सकते हैं डिनर की जगह, तो वो ज़्यादा अच्छा डाइजेस्टिबल रहेगा। इसके बाद आपको, आपका डिनर हो गया, डिनर के बाद
आपको हर एक घंटे में एक गिलास पानी पीना है और दो घंटे में दो गिलास पानी पीने के बाद सोने के एक घंटे पहले आपको एक गिलास दूध पी के सोना है। तो दूध में आप वापस से प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सुबह से लेकर रात तक की चीज़ें मैंने बता दी। इसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं बताए। ड्राई फ्रूट्स आपको रात में भिगोना है और सुबह उसको आप जब दूध पीते हैं आप उस टाइम पर ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए या दूध के पहले भी ले सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम, किशमिश, अखरोट और अंजीर ये गला के सुबह लेना है। अगर आप अंजीर चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन बादाम, किशमिश, अखरोट तो लेना ही है। आपके बच्चे के पूरे डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिस्ता आप बगैर गलाया भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाइट में आपको सारी चीज़ें बता दी। सबसे महत्वपूर्ण बात है पानी। पानी आपको कम से कम 10 से 12 ग्लास मिनिमम ठंड में पीना है और अगर गर्मी है तो आपको उससे भी ज़्यादा 12 से 14 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपका इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और आपको बहुत सारी दूसरी समस्याएं होंगी। तो इसलिए आपको पानी की क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है। आपका पानी आप अलग से ही मेज़र करके रख दीजिए ताकि आपको शाम को पता रहे कि आपने कितना पानी पिया। कई लोगों की पानी पीने की बहुत कम आदत होती है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पानी ज़रूर पीजिए। और जो मैंने चीज़ें बताएंगे इतनी मिनिमम आपको लेनी ही है, ये प्रैक्टिकल है। आपको फ्रूट्स में कई लोग कहते हैं कि नारियल पानी नहीं लेना है, लेकिन नारियल पानी लेना है। सारे फ्रूट्स खा सकते हैं पपीता को छोड़कर, क्योंकि पपीता के लिए बहुत सारी मान्यताएं हैं। पके हुए पपीते से वैसे कोई नुकसान नहीं है, कच्चे पपीते से नुकसान होते हैं। पका हुआ पपीता आप ले सकते हैं। स्टिल अगर आपको नहीं लेना तो पका हुआ पपीता मत लीजिए, पाइनएप्पल मत लीजिए, लेकिन इसके अलावा जितने भी मौसमी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो सब अपन ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके और आप अपडेटेड रहें मेरे साथ। धन्यवाद।